देखिए, फाइंड नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड बाय 25 वोल्ट सोर्स एट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। तो मेरे भाई क्या चीज़ है, वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम दे रहे हैं और फोटोन इमिटेड पर सेकेंड बाय 25 वोल्ट पावर दे रहे हैं, यानी एनर्जी, ठीक है, और नंबर ऑफ फोटोन। तो इसके लिए एक फार्मूला है, रखो एनर्जी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा डिवाइड बाय एस। एनर्जी 25 है, लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो 10^-10 आ जाएगा। अब देखो एच की वैल्यू तो फिक्स है 6.63 × 10^-34, सी की वैल्यू भी फिक्स है 3 × 10^18। देखो मैं क्या करता हूँ, पहले आंसर ऑप्शन देखता हूँ। ऑप्शन इस तरह से दे 7.54 × 10^-19, 4 × 10^-7, 11 × 10^-18, सबकी पावर अलग अलग है। अगर पावर अलग अलग हो तो पावर निकाल लो, पावर एक हो कॉन्स्टेंट अलग अलग हो तो कॉन्स्टेंट निकाल लो, यहाँ तो पावर और कॉन्स्टेंट सभी अलग है। तो पहले पावर का खेल खेल लो, सबसे आसान होता है। यार ये देखो 3 जीरो है, माइनस आर को खाएंगे, -10 से -7 रह जाएगी, -7 रह जाएगी। नीचे देखो -34 और +8 -26। अब देखिए -26 ऊपर जाएगी तो +26 हो जाएगी, +26 और -10^19। अच्छा ये एक मिनट गाली क्रैक कर लें, +19। अब ये आपके पास आ गया, क्या 10^19 का और कोई ऑप्शन है? नहीं जी, एक ही है, तो यही आंसर होगा। आपको और कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, बड़ा इम्पोर्टेंट। हाँ अलबत्ता अगर फर्ज करो 10^19 के 2-3 ऑप्शन होते हैं, सारे ऑप्शन 10^19 के होते, तो फिर मैं उस पर टाइम ज़ाया नहीं करता, फिर पावर में टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, फिर मैं क्या करता? देखो ये कॉन्स्टेंट नंबर है, यहाँ 6, ये 6.6 से रही है। एक मिनट ज़रा मेरी बात और से सुनो, फर्ज करो ये 6 होता, 6 कट जाता, 6 कट जाता, 25 को 3 से डिवाइड करते तो 8 point something आता, लेकिन यहाँ चूंकि 6 नहीं है, 6 से बड़ा है, तो आंसर 8 point something से छोटा, लाइक 7 point something कुछ होना चाहिए। 7 point something का भी फिर एक ही ऑप्शन दिया हुआ होगा, अगर पावर से एक हो गई तो। यहाँ तो दोनों ही बातें थी, पावर से भी हम पकड़ सकते थे, कॉन्स्टेंट नंबर से भी पकड़ सकते थे। देखो हर जगह ट्रिक्स मेरी खास काम आ जाती है।